एक मिनट, एक कंपटीशन का रूल है, पार्टिसिपेट अमृतसर का लड़का ही कर सकता है। वैसे पराजित तुसी हो कौन? ये अब सिंह साहब से पूछिए। ओ मॉडरेटर साहब, ओ तुसी मुकाबला शुरू कराओ। ओ अपना ही मुंडा है। ओ भाई कोई भी जीते, ओ ट्रॉफी तो साढ़े घर ही आनी है। ओ चंगा जी, लो जी फिर मुकाबला शुरू कर दे। साढ़े चैंपियन सरदार अंबर सिंह ते नवे जवान गबरू विच। आएगा मजा। मेरा मतलब है अब टक्कर बराबर की होगी ना, इसीलिए कह रही थी। वैसे दिल तो मेरा बड़ा ही दुखी है, बाप बेटों के बीच तलवारें जो खिंच गई हैं। अब क्या है ना, स्माइलिंग फेस है ना मेरा, इसीलिए दुख दिखाई नहीं दे रहा। हरा तो आज तक कोई पाया नहीं है जी सरदार अंबर सिंह जी नू। सारे लोग यहाँ आते हैं सरदार अंबर सिंह की ताकत, उन्हां दा जोश, उन्हां जलवा देखने। तो नके और दिल थाम के दो जी, बस एक चेतावनी है कि ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। चल पुत्र और खींच, मैदान में उतरते ये साबित हो जाना है कि कितना बड़ा लूजर है। निकल इस घर से बाहर, राज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाएंगे। अधिपत्य ओ खींचो, कम ऑन आदि। यस कम ऑन आदि, कम ऑन। You can do it. कितने सालों बाद दारजी नू आज नचदे वेख्या। मजा आ गया, कमाल हो गई। आज के चैंपियन है हमारे अंबर सिंह के बेटे आदित्य राज सिंह। और आदित्य सिंह ने ना केवल अपने पापा को हराया बल्कि अपने खानदान, अपने विरसे का नाम भी रोशन किया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है एक बाप के लिए। क्यों अंबर सिंह जी, ठीक कहा ना मैंने?
सारी दुनिया के सामने उस शेफ कंपटीशन में हार कर तो अपनी बेइज्जती करवा ली। तुम्हें क्या लगता है यहाँ अपने बाप को हराकर उस हार की भरपाई कर पाओगे तुम? हार के नहीं जीत को लात मार के आया हूं, फर्क होता है। और वैसे भी हारे हुए लोगों को हराने का शौक नहीं मुझे, बस कभी कभी उनकी जीत के घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जीतने और हारने की तमीज है मुझे, लेकिन तरस तो मुझे तुम जैसे लोगों पर आता है जो अपनी हार को छुपाने के लिए बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है तो आपका ये हाल है, सोचिए जो मैंने कुछ कर दिया तो आपका क्या होगा मिस्टर सिंह। जी खुश कर दिता आदि पुत्र, बेल्डन बेल्डन, जीतता रहे पुत्र। ओए होए, खुश रहो जी खुश रहो, किसी की नजर ना लग जाए। आंधी की तरह आया और तूफान की तरह धूल धूल मिट्टी मिट्टी कर दी सबकी। कहीं किसी की आंख में चुभ न गई हो किरकिरी। आई एम वेरी श्योर अभी ना बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या करता है हमारा आदि। बिल्कुल जी बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस आदि बेटा, अपनी मम्मी के पांव छू के ब्लेसिंग्स नहीं लोगे? तुम मेरी मां नहीं हो तो मां बनने की कोशिश भी मत करना। इट्स ओके, जवान खून है, उबाल तो मारेगा ना, पर कोई बात नहीं, उबलने के बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। अंबर, ओप्स, रिलैक्स, ड्राई आइस है। आकाश खेल रहा था तो मैंने उससे लेकर आपके हाथ में डाल दी। वैसे ये हाथ तो सेफ है ना आपका? हाँ, आदि जितने गुस्से में आया है पता नहीं कब तक सेफ रहेगा। पांजी, गिन्नी नजर नहीं आ रही। हाँ जी, कितने है गिन्नी दी?
सुनो, इधर आओ, काम छोड़ो, इधर आओ। मेरी मॉम का सामान कहाँ है? वो तो सुप्रीत मैम जी ने स्टोर रूम में रखवा दिया। स्टोर रूम में सुप्रीत मैम को होना चाहिए, मेरी मॉम के सामान को नहीं। अपनी मॉम की प्रेजेंस को इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा मैं। जन्मदिन मुबारक हो पापा जी। सब कुछ वैसा ही है ना जैसा आप चाहते थे? कोई कमी रह गई हो तो सॉरी, कोशिश कर रही हूं आपके दिखाए रास्ते पर चलने की। आपकी सारी बातें, सारी सीख मेरे दिल के संदूक में हमेशा सहज के रहेंगी। गिनी पुत्र, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। देखो मम्मी जी, मैंने आपके नाम का एक रेस्टोरेंट बनाया है। रो मत मम्मा, आई प्रॉमिस, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा ही रेस्टोरेंट खोलूंगा जिसमें सिर्फ आप, मैं और दारजी रहेंगे। पापा जी की बिल्कुल एंट्री नहीं होगी। आदि, इत्थे ना बड़ा सा पेड़ होगा, उसके पास एक गाय, पीछे से उगते और डूबते सूरज की किरणें हमेशा चमकती रहेंगी। पास के गुरुद्वारे से
कुर्बानी की आवाज आया करेगी। हाँ अब वो अपना रेस्टोरेंट पूरा, भले ये लोग आपके सामान को स्टोर रूम में बंद कर दें, आपकी यादों को मुझसे कभी दूर नहीं कर पाएंगे मां। आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। गिनी पुत्र पहले गुलाबो जी, मैंने कहा था ये ढाबा मेरे पापा जी ने अपने हाथों से बनाया है, क्या ये कभी किसी मुसीबत को हमारे सामने खड़ा रहने देगा? नहीं, कभी नहीं। गुलराज शाबाश है गिन्नी नू, एक ती ही अपने डैडी दा जन्मदिन एने दिल नाल ते एने तूम ताम नाल मना सकती है। आज ता उदा डैडी भी उन्दे पर मान कर रहा होगा। बुआ जी गिन्नी ना सब दे नाल कर दी, लेकिन उसका करने वाला कोई नहीं है। ऐ टाबे दी जिम्मेदारी कार दी जिम्मेदारी उठाते उठाते अच्छी उसकी व्याह की उम्र निकलती जा रही है। गुलराज तेरी तीता नमक जैसी है, ज्यादा नमक तो सारी सब्जी खराब, कम नमक तो सारी सब्जी बेस्वाद। अब नमक की किस्मत ही ऐसी है, उसकी वैल्यू तो वही समझ सकता है जिसे पता हो कि नमक सही तो स्वाद सही। लेकिन बुआ जी लोग तो बातें करते हैं ना, घर के चार चार बंदों की जिम्मेदारी गिन्नी के कंधों पर, उससे कोई नहीं करेगा व्यर्थ। अरदास करया कर, वो सब के लिए किसी ना किसी को जरूर बनाता है। तू देखना तेरी गिन्नी के लिए भी ना सोना मुंडा बनाया होगा। आशय जो लोकेशन बताई है सेम टू सेम है तो इमीडिएटली दिखा। आदि पाजी आप एक बार इन सारी लोकेशन पर नजर तो मारो, ये सारी की सारी मौके दी है और मेरे हाथ की भी। आशय जो लोकेशन मांगी है सेम टू सेम है तो दिखा वरना रहन दे। पाजी एक लोकेशन है पर वो बेचेंगे नहीं। तो लेके चल। पाजी मैं कह रहा हूँ नहीं बेचेंगे। आशय लेके चल। चलिए पाजी। पाजी ये रहा ढाबा। चल संग चलिए जहाँ दिल धड़के, जहाँ सांस सांस में सुकून छलके, जहाँ चिंदड़ी दा एहसास बसे, चल वहाँ चले जहाँ प्यार बसे, जहाँ पेड़ की ठंडी छाँव मिले, जहाँ अपना वाला गांव मिले, जहाँ संतों की अरदास बसे, चल वहाँ चले जहाँ प्यार बसे। परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। पाजी मैं जानता हूँ ये जगह किसकी है और ये भी जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए ये इसे बेचेंगे नहीं। तो तुम ये भी जान लो कि आदित्य राज सिंह ये जगह खरीद के रहेगा। पाजी इन्हें इस जगह की बहुत जरूरत है। आदित्य दूसरों की जरूरत पे नहीं खुद की जिद पे जीता है। मम्मी जी सौ बात की एक बात, जब तक हमारा ढाबा है हमें घबराने की लोड नहीं है, सब ठीक दिखा के। ये ढाबा मुझे किसी भी हाल में चाहिए।